तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग MDRK। तो गाइस फिर से हम आ गए एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके। तो गाइस अभी फिलहाल हम आ गए हैं थोड़ा खेत पे, और खेत में किस तरह सा सब्जी का चास होता है तो आज उसके बारे में आपसे हम लोग बात करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हैं। जो मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन ऐसे ही आप लोग को इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा। तो चलते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो, अभी मेरा पीछे ये खेत है, और ये खेत में जो टोमेटो होता है वो टोमेटो का पौधा लगाया है। पौधा में टोमेटो, इतना सारा टोमेटो आया है, इतना फसल आया है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। तो मैं आप लोग को घुमा के दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं बैठ के थोड़ा आप लोग को दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो किस तरह सा है। अभी कच्चा है, पक्का नहीं है, अभी ये टोमेटो पक्का नहीं है, लाल नहीं हुआ है, कच्चा है। तो धीरे धीरे जब पकेगा, तो पकने के बाद जो व्यापारी होता है उठा के लेके जाएगा, फिर व्यापारी करेगा। तो फिर आगे जाके आप लोग को दिखा देते हैं किस तरह सा चास होता है, आप लोग देख के समझ पा रहे हो। अभी चारों साइड पे सब्जियां है, बैगन भी लगा हुआ है, और ज़्यादातर तो टमाटर ज़्यादा लगा हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हो, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर साइड पे एक तालाब है, और ये जो तालाब है पानी भरा हुआ होता है, क्योंकि पानी का काम होता है। यहाँ पे जितने सारे ज़मीन है सब फसल लगा हुआ है, और इसी तालाब से पानी उठा के डालता है खेत में, क्योंकि पानी बिना फसल नहीं होगा। तो गाइस चारों साइड में टमाटर है, और सब लाल लाल भी, कच्चा भी है, पक्का भी है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, और थोड़ा आप लोग को मैं पीछे भी घुमा के दिखा दूँगा। मैं आप लोग को थोड़ा चारों साइड घुमा के दिखा देता हूँ, देख पा रहे आप लोग किस तरह सा है। फिर आप लोग देख पा रहे हो उधर साइड में जो तालाब है उसी में पानी उठा उठा के लेता है, और जो चाइना मशीन होते हैं मशीन में चालू करके पानी डालता है खेत में। तो आप लोग आए देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो किस तरह सा है। और आगे आप लोग को जो बैगन का पौधा है, मैं आप लोग को दिखा दूंगा पौधा किस तरह सा है और किस तरह सा होता है। तो आई होप आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस तरह सा है और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग वीडियो को बने रहे। जैसे कि गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं आप लोग को एक मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है, आप लोग बता सकते हो? अगर बता सकते हो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, और मैं भी थोड़ा बता देता आप लोग, मुझे भी कमेंट करना कि ये चीज़ है कि नहीं। ये करेला है, इसको क्या बोलता है, करेला। तो करेला सब्जी, ये सब्जी है एक, और इसमें जो बटाटा होता है बटा में मिला के इसको पकाता है, और ये थोड़ा कड़वा होता है, खाने में बहुत टेस्टी आता है, मज़ा आता है, लेकिन ये कड़वा होता है ज़्यादा। तो आप लोग अब देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कितना सा है और कितना लुक दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में, आप लोग देख पा रहे हो। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए किस तरह से इसका टेस्ट है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को मैं दिखाता हूँ, और ये कौन सा झाड़ है आप लोग को कुछ मालूम है? आप लोग को दिखा देता हूँ, ये झाड़ है भिंडी का झाड़ है, देख पा रहे हैं आप लोग भिंडी किस तरह से आया है। अभी ये भिंडी का फूल आया है, और भिंडी इधर पक्का भी है, पकड़ा भी है, देख पा रहे हो किस तरह से भिंडी है, ज़बरदस्त भिंडी है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को, आप लोग देख पा रहे हो। ये भी इसको पका के खा सकते हैं आप लोग, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ज़्यादातर इसको फ्राई करके ज़्यादा खाते हैं, तो हम तो ज़्यादा इसको फ्राई करके ही खाते हैं, क्योंकि फ्राई करने में टेस्ट ही ज़्यादा आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग किस तरह से खाते हो, मतलब फ्राई करके खाते हो कि पका के खाते हो, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। तो गाइस अभी मैं आप लोग को और दूसरा एक लोकेशन पे दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे किस तरह सा क्या है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये आप लोग को दिखा दिया, तो दूसरा लोकेशन पे जाके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ।
वहाँ पे बैगन का झाड़ है, तो बैगन किस तरह सा है और किस तरह सा बैगन आया है पौधा में, तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी पौधे पे। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हो, अभी मेरा पीछे ये पौधा है, आप लोग देख पा रहे हो किस तरह सा है। ये बैगन का पौधा है और ज़मीन बहुत एकदम, ज़मीन जो है नरम हो गया है क्योंकि ज़मीन में पानी डाला हुआ है पौधा को ज़िंदा रखने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हो अभी ये बैगन का पौधा है और बैगन अभी हाल ही में आया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं हुआ है। तो मैं आप लोग को थोड़ा बैठ के दिखा देता हूँ किस तरह सा है, आप लोग देख पा रहे हो, देख के समझ पा रहे हो, पूरा ज़मीन पे एकदम बैगन से बैगन लगा हुआ है। तो मैं आप लोग को बैठ के दिखा देता हूँ थोड़ा। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाके आप लोग को दिखा देता है किस तरह सा बैगन है। आयो आप लोग देख के समझ पा रहे हो, देखो बैगन ये होता है, बैगन इस तरह सा बैगन होता है। ये हर किस्म का पका हुआ जाता है, इसको भाजी फ्राई पका के जैसा भी आप लोग कर सकते हो वैसा कर सकते हो। आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ जूम करके, देख पा रहे हो। तो अभी ये छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है, जब इसको जब मोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो इसको तोड़ेगा, फिर तोड़ के लेके जाएगा मार्केट पे और उसको व्यापारी करेगा। तो मैं आप लोग को बैगन का खेत भी दिखा दिया और थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद देखते हैं और क्या है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जो साग, इसको साग बोलता है, और ये जो साग है ये मूलों का साग है, जो लंबा सा एकदम सादा सा जो मूला होता है, जो बोलते हैं मूला, वो मूला का साग है। आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये पीछे देख पा रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं मूला का साग, किस तरह से लगा हुआ है आप लोग देख पा रहे हो। जैसे कि गाइस मैंने आप लोग को सोचा खेत में जो भी है सामान चीज़ सब्जी वगैरह दिखाने के लिए, तो दिखाते दिखाते मैंने एक ऐसा चीज़ देख लिया, मैं रुक नहीं पाया आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या चीज़ है ये। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो ये किस तरह से क्या चीज़ है, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, और देख के मुझे बहुत डर लग गया है। तो ये क्या चीज़ है मुझे आप लोग ललित कमेंट करके बताइए, देख पा रहे हो किस तरह सा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़, मुझे कमेंट चाहिए इसमें किस तरह सा है और क्या चीज़ है और इसका नाम क्या है, मुझे ज़रूरी कमेंट करके बताइए। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोग को जितना दिखाना था दिखा दिया और कुछ नहीं, वीडियो को और नहीं बढ़ाऊंगा। तो गाइस वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।